दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आखिर मैं कहां गायब हो गया हूं, मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो आप में से जितने लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए थे, वहां पर हमने अपडेट दिया था कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया हूं। और उस समय हालात कुछ ऐसे थे, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, COVID-19 बहुत ही तेजी से फैल रहा था, वायरल फीवर भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से फैल रहा था। इसकी वजह से हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। वहां पर ये सोच रहा था मैं कि हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सजेस्ट कर रहे थे मैसेजेस के थ्रू कि कोशिश करिए हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो यहाँ पर मैं घर पर रह करके दवा कराई, डॉक्टर्स आते थे, इंजेक्शंस मेडिसिंस देते थे, धीरे धीरे करके क्या हुआ मैं ठीक होता गया। लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तो हमारी पूरी फैमिली बीमार हो चुकी थी, क्योंकि वो समय कुछ ही ऐसा था कि हर जगह आप चाहे जहां पता करते, चाहे कोई आपका रिलेटिव्स हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड सर्किल हो या फिर आसपास के लोग हो, हर जगह वायरल फीवर और COVID-19 का प्रकोप था। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारी मम्मी भी बीमार हो गई थी, पापा जी भी बीमार हो गए थे, पूरी फैमिली बीमार हो गई थी। ऐसे में चलते मैं और मेरी माता जी बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, और कुछ समय तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन वही समय एक ऐसा था कि आप सब लोगों को पता होगा बहुत ही तेजी से बीमारी फैल रही थी, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे थे, बहुत सारे आस पड़ोस के लोग जो एक्सपायर हो गए। और कहीं ना कहीं अब सब कुछ ठीक हो गया है और आप सभी के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ, नहीं तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं एकदम से आपको रियलिटी बता रहा हूं कि होपलेस हो गया था कि मैं शायद ही अब काम कर पाऊंगा, अब कोई जिंदा रह पाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा बीमार, इतना ज्यादा सीरियस शायद ही कोई होता है जितना मैं बीमार हुआ। तो हो सकता है जितने लोग बीमार हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक्सपायर हो गए बेचारे, लेकिन आप सभी का इतना बड़ा आशीर्वाद था, आप सभी लोगों की इतनी बड़ी फैमिली है कि यहाँ पे इतने ज्यादा आशीर्वाद मिले। हो सकता है उसी आशीर्वाद की वजह से आज मैं आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं। और फाइनली अभी आप सभी लोगों को याद होगा 10 से 15 दिन पहले मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने यहाँ पे अपडेट दिया था कि फाइनली अब मैं ठीक हो चुका हूं, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, पूरी फैमिली ठीक हो चुकी है, किसी को कोई नुकसान तक नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हो गया, जैसे ही मैं तैयारी कर रहा था कि हाँ अब मैं वीडियो बनाऊंगा, अब मैं सारा वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा था बाइक से, और क्या हुआ, बाइक हमारी स्लिप कर गई और मैं गिर गया। और गिर गया तो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं यहां पे और पैरों में चोट लग गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं फिर से काम ना स्टार्ट कर पाया। और 2-3 दिन जैसे ही बीता, दवा तो मैंने ले ही लिया था, लेकिन उसके बाद हमारे चेस्ट में पेन स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं हॉस्पिटल गया, फिर मैं एक्सरे करवाया, और वहां पे जो चेस्ट पेन हो रहा था वो हड्डी या कुछ भी क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन ना तो फ्रैक्चर हुआ ना क्रैक हुआ, लेकिन जो हड्डियां थी अंदर की वो सूजन आ गई थी उसमें। इसकी वजह से चेस्ट जो है बहुत पेन कर रहा था, मैं अगर बेड पे लेटा रहता था, उठता था तो बहुत दर्द हो रहा था, और इस तरीके से मतलब मैं फुल सेटिस्फाई नहीं था। इसकी वजह से मैं काम स्टार्ट नहीं कर पाया, और डॉक्टर ने भी मना किया कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। इसकी वजह से मैं रेस्ट पे था, फोन भी ज्यादा यूज नहीं करता था, बहुत ही कम यूज करता था, केवल चेक कर लेता था, क्योंकि आप सब लोगों ने इतने ज्यादा ईमेल किए, इतने ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि रिप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं था। तो माफ कीजिएगा अगर किसी को भी हर्ट हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ कि अब दवा करा ली, सारा कुछ ठीक हो गया है। जब सारा सिस्टम ठीक हो गया तो अब मैंने सोचा कि कुछ नया सेटअप बनाया जाए, एलईडी काउंटर या जो भी चीजें हैं, कुछ हमने सोचा कि नया कुछ स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में पूरी स्ट्रेटजी लगा करके, पूरा मन लगा करके, पूरी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में
क्रिप्टो करेंसी मार्केट को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और ट्रेडिंग भी करेंगे कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा क्योंकि मैं कहीं गया नहीं हूं। हो सकता है आप खुद सोचिए, आप मेरी जगह होते तो हो सकता है आपकी भी तबीयत खराब होती हो। कहीं ना कहीं मैं चाहे जितना टाइमली वर्क करूं, चाहे जितना मेहनत करूं, कुछ भी करूं, लेकिन एक साल में मैं देखता हूं कि एक आध बार जरूर बीमार हो जाता हूं। ना जाने ऐसा क्या है, लेकिन आप सभी लोगों का इतना ज्यादा प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद रहता है कि हमें कुछ होता नहीं है और फाइनली मैं ठीक हो गया हूं। आप सभी लोगों से यही थोड़ा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे उसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करेंगे। और मैं फिर से आ गया हूं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं पहले वर्क करता था वैसे ही आगे वर्क करूंगा। 1% की भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यही था छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। और आज के दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि आप लोग ये बताइएगा कि मैंने तो अपनी कंडीशंस बता दी, आप लोग कैसे हैं, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो सेटअप जो मैंने अभी 3-4 दिनों से बनवाया है वो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा है तो वो हमें बताइएगा। हो सकता है कुछ इसमें और चीजें इंक्लूड करनी हो तो वो भी हमें सजेस्ट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।